दोस्तों, अगर आपने अभी तक आइसक्रीम हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रॉड ने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगाया था और उसके बाद वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ था, लेकिन शॉन वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। गुल्ली शॉन की ये हालत देखकर पीछे हटने लगा। शॉन बुरी तरह से कांप रहा था और कुछ देर बाद शॉन उठकर बैठ गया, लेकिन वायरस की वजह से अब शॉन पूरी तरह से बदल चुका था। गुल्ली ने शॉन को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। गुल्ली को समझ पाता इससे पहले शॉन गुल्ली पे हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली शॉन को अकेला छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो शॉन से थोड़ा दूर जाकर शॉन को समझाने की कोशिश करता है। शॉन, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गुल्ली, और मैं यहाँ तुम्हें रॉड से बचाने आया हूँ। लेकिन ये सारी बातें अब शॉन को कहाँ समझ में आने वाली। शॉन तो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। गुल्ली के बार बार समझाने के बाद भी जब शॉन नहीं रुका तो गुल्ली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा, क्योंकि गुल्ली नहीं जानता कि अगर शॉन ने उसे पकड़ लिया तो न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। और शॉन भी अब गुल्ली का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। गुल्ली भागते हुए वैन तक पहुंचा। वैन खोली और गुल्ली से बताने लगा कि शॉन अब हमारा दोस्त नहीं है, वो अब आइसक्रीम मैन बन चुका है। रॉड ने उसे वायरस का इंजेक्शन लगा दिया है, मैं उसे बचा नहीं पाया। गुल्ली बोला, क्या तुम्हें मैंने मना नहीं किया था कि रॉड के पास मत जाना, वरना वो हम में से किसी न किसी को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अब रॉड और शॉन दोनों मिलकर हमारा कचूमर बनाएंगे और मैं तो यहाँ से निकल भी नहीं सकता। गुल्ली बोला, मैं तुम्हें बाहर निकलने का कोई तरीका खोजता हूँ, लगता है शॉन इधर ही आ रहा है। मैं ताला तोड़ने के लिए कोई पत्थर लेकर आता हूँ, तुम चुपचाप इधर बैठना वरना शॉन को पता चल जाएगा। ये कहकर गुल्ली वहाँ से चला गया, लेकिन शॉन ने गुल्ली को वैन बंद करते हुए देख लिया है और अब उसे पता है कि वैन के अंदर कोई है। और तभी गुल्ली को वैन हिलती हुई महसूस होती है। गुल्ली को लगता है कि भूकंप आया है और अब वैन पलटने वाली है। गुल्ली डरने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है, ये सारा काम तो शॉन का है। शॉन वैन को पलटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शॉन के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो वैन को पलटा सके। शॉन अब समझ चुका है कि वो वैन को नहीं पलटा सकता, उसे कुछ और करना होगा। इसलिए वो वैन के पीछे जाने लगता है, क्योंकि उसने गुल्ली को वैन के दरवाजे बंद करते हुए देखा था। और फिर वो वैन के दरवाजे खोल देता है और उसे सामने बैठा हुआ बुल्ली दिखाई देता है। बुल्ली शॉन को देखकर पहचान ही नहीं पाता कि ये वही शॉन है। बुल्ली शॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है और उसे अपने पास बुलाता है, और शॉन बुल्ली का कहना मानते हुए उसके पास चला जाता है, लेकिन दोस्ती की नीयत से नहीं। शॉन गुल्ली को उठाकर वैन से बाहर फेंक देता है, वो उसे पिंजरे से बाहर निकालना चाहता है। गुल्ली वैन से थोड़ी दूर जाकर पत्थर ढूंढ रहा होता है, तभी उसे वैन के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है और गुल्ली फौरन वैन की तरफ भागता है। गुल्ली समझ जाता है कि शॉन वैन तक पहुंच गया है, लेकिन कहीं वो गुल्ली को कोई नुकसान न पहुंचाए। गुल्ली जैसे ही वैन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शॉन ने पिंजरे को बाहर निकाल लिया है और वो उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुल्ली शॉन को मारना नहीं चाहता, क्योंकि शॉन गुल्ली और बुल्ली का दोस्त है, लेकिन अगर शॉन को नहीं रोका गया तो वह बुल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है। गुल्ली सोचता है, क्यों ना ये पत्थर मारकर शॉन का दिमाग ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन गुल्ली फिर यही सोचकर रुक जाता है कि शॉन उसका दोस्त है, और गुल्ली थोड़ी देर तक रुक कर ये देखेगा कि शॉन बुल्ली के साथ क्या करता है। इसलिए वो पेड़ के नीचे जाकर छुप कर बैठ जाता है और शॉन को पिंजरा तोड़ते हुए देखता रहता है। लेकिन गुल्ली का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि शॉन उसे देख लेता है। गुल्ली शॉन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ शॉन, और तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो हम तीनों मिलकर रॉड को ठिकाने लगा सकते हैं। रॉड ने ही तुमको वायरस का इंजेक्शन लगाया था। शॉन कुछ देर तक तो गुल्ली की बात सुनता रहा, लेकिन फिर वो जैसे ही गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने वाला था कि तभी गुल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया, जिससे गुल्ली को वहां से भागने का मौका मिल गया। लेकिन इधर शॉन ने गुल्ली को उठाकर पटक दिया। शॉन के काम में रुकावट डालने का अंजाम गुल्ली को भुगतना होगा। शॉन ने जेब में हाथ डालकर जहर वाली आइसक्रीम निकाली और जबरदस्ती गुल्ली को खिलाने लगा। लेकिन अब बहुत हुआ, गुल्ली अब नहीं रुक सकता। गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास गया और उसे पत्थर मार दिया। सर पे पत्थर लगते ही शॉन बेहोश हो गया। गुल्ली और बुल्ली फौरन शॉन के पास जाकर उसे देखने लगे। शॉन बिल्कुल चुपचाप पड़ा हुआ था। गुल्ली और बुल्ली को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं शॉन को कुछ हो तो नहीं गया। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि तुमने शॉन को पत्थर क्यों मारा, ये हमारा दोस्त है शॉन, क्या तुम ये भूल गए थे। गुल्ली बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि हमारा दोस्त शॉन है, लेकिन अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये तुम्हें जहर वाली आइसक्रीम खिला देता और तुम्हारी मौत हो जाती। बुल्ली बोला, क्यों ना हम इसे इसी हालत में बाबा के पास ले चलें, होश में आने के बाद हम इसे ले जा नहीं पाएंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली ने शॉन को उठाकर वैन में डाल दिया, इस उम्मीद के साथ कि बाबा के पास पहुंचने के बाद शॉन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास चल दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शॉन गाड़ी से बाहर कूद गया और गुल्ली और बुल्ली को पता ही नहीं चला और वो गाड़ी लेकर वहां से चले गए।
शॉन भागते हुए सीधे आइसक्रीम स्टोर पहुंचा। रॉड काउंटर पर लेटकर आराम कर रहा था, ये सोचकर कि शॉन गुल्ली और बुल्ली को संभाल लेगा, लेकिन शॉन को दौड़ता हुआ देखकर रॉड उठकर बैठ गया। शॉन ने रॉड से बताया कि गुल्ली और बुल्ली ने उसे मारा और वैन लेकर वहां से फरार हो गए। वो उसे भी अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन वो वैन से कूदकर भाग आया। ये सुनते ही रॉड भड़क गया और बोला, तुम किसी काम के नहीं हो शॉन, तुम्हें मैं एक और इंजेक्शन लगाऊंगा और 3 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कहकर रॉड ने एक और वायरस का इंजेक्शन शॉन के पिछवाड़े में लगा दिया। अब अगर 3 घंटे के अंदर शॉन का इलाज नहीं हुआ तो शॉन मर जाएगा। इधर गुल्ली और बुल्ली वैन लेकर बाबा के पास पहुंच गए, ये सोचकर कि बाबा शॉन का इलाज करके उसे पहले जैसा बना देंगे। और इधर बाबा की वर्कआउट चालू है, बाबा रात के 3 बजे उठकर पहलवानी चालू कर देते हैं। कम खाना कम सोना, सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना, बाबा की सेहत का यही तो राज है। बाबा ने बारबेल को जैसे ही नीचे रखा, उन्हें सामने एक आइसक्रीम वैन आती हुई दिखाई दी। बाबा उस वैन को देखने लगे, इतनी रात में आइसक्रीम वैन यहाँ क्या कर रही है। बाबा उस वैन को देख ही रहे थे कि तभी उस वैन से गुल्ली और बुल्ली उतर के शॉन को लेने वैन के पीछे गए, तो उन्होंने देखा कि शॉन वहाँ नहीं है, शॉन गाड़ी से भाग गया है। और फिर गुल्ली और बुल्ली ये बुरी खबर लेकर बाबा के पास पहुँचे। बाबा गुल्ली और बुल्ली को देखते ही पूछने लगे, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और ये वैन किसकी है। गुल्ली बोला, बाबा ये वैन आइसक्रीम मैन रॉड की है, वो एक किडनैपर है, वो बच्चों को आइसक्रीम दिखाकर उन्हें किडनैप कर लेता है। उसने मुझे, बुल्ली और शॉन तीनों को किडनैप करने की कोशिश की थी, हम तीनों तो बच गए, लेकिन उसने शॉन को वायरस का इंजेक्शन लगा दिया। बुल्ली बोला, बाबा रॉड हम सब के लिए खतरा बन चुका है, उसने शहर से जितने भी बच्चे किडनैप किए थे उसने उन सभी को वायरस देकर मार दिया है और अब वो शॉन को मारना चाहता है। बाबा बोले, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता, जरूर वो कोई शैतान होगा, चलो चलकर उसे ठिकाने लगाते हैं। ये कहकर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ वैन की तरफ जाने लगे। आगे बढ़कर गुल्ली और बुल्ली वैन के अंदर बैठ गए और बाबा वैन के ऊपर। बुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और बाबा को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन गुल्ली बुल्ली और बाबा को ये नहीं पता कि अगर शॉन का इलाज नहीं किया गया तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएगा। और इधर शॉन की हालत खराब होती जा रही है, अब वो उठ भी नहीं पा रहा और रॉड उसे मार मार कर उठाने की कोशिश कर रहा है। और तभी गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। बाबा रॉड को देखते ही वार्निंग देते हैं कि वो शॉन को मारना बंद करे, लेकिन जब रॉड नहीं रुकता तो बाबा को स्टोर के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही बाबा स्टोर के अंदर आते हैं, रॉड बाबा को देख कर अकड़ने लगता है। रॉड बाबा को मामूली आदमी समझ रहा था, तभी बाबा ने रॉड को उठाकर पटक दिया, रॉड स्टोर से बाहर जाकर गिरता है। बाबा रॉड के पास दौड़ते हुए आते और पूछते हैं, बताओ शॉन कैसे ठीक होगा। और तभी रॉड बाबा के सर पे लोहे की रॉड से हमला करता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। और फिर रॉड बाबा के पास जाकर लोहे की रॉड से उन्हें मारने लगता है, तो गुल्ली और बुल्ली रॉड को खींचकर स्टोर से बाहर निकालते हैं। तभी रॉड लात मारकर गुल्ली और बुल्ली को गिराकर वहां से भाग जाता है। गुल्ली और बुल्ली उठकर खड़े हो जाते हैं और सीधे बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कहीं बाबा को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन ये क्या, लगता है बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। गुल्ली और बुल्ली किनारे हट जाते हैं, लगता है रॉड का आखिरी वक्त अब आ चुका है। बाबा रॉड के पीछे दौड़ लगा देते हैं, रॉड अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा और कुछ ही देर में बाबा को रॉड मिल जाता है। बाबा रॉड को देखते ही स्पीयर लगा देते हैं। बाबा रॉड से कहते हैं कि तुमने बच्चों को किडनैप करके अच्छा नहीं किया और आज तेरा आखिरी दिन है, उठकर खड़ा हो जा। और रॉड जैसे ही उठकर खड़ा होता है, बाबा उसे स्मैक लगा देते हैं। रॉड उछलकर बिल्डिंग की छत पर जा गिरा, लेकिन बाबा का एक्सट्रीम मोड अभी खत्म नहीं हुआ है। बाबा दौड़ते हुए छलांग मारकर बिल्डिंग की छत पर जा पहुंचे और इधर रॉड बिल्डिंग से नीचे उतरने की फिराक में था। बाबा ने चिल्लाते हुए रॉड से कहा, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, बता शॉन किस दवा से ठीक होगा, तूने उसे कौन सा वायरस दिया है। तो रॉड बोला, हाँ मेरे पास उस वायरस का इलाज है, उस वायरस का तोड़ है ये एंटीवायरस, इससे शॉन फौरन ठीक हो जाएगा, मैंने जितने बच्चों को वायरस दिया है उन सभी की मौत हो चुकी है और अब शॉन भी मरने वाला है, क्योंकि ये एंटीवायरस मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनते ही बाबा ने रॉड की तरफ दौड़ लगा दी। रॉड बाबा को फ्रीज करने ही वाला था, लेकिन बाबा ने रॉड से बचते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन रॉड अब भी एंटीवायरस देने को तैयार नहीं हुआ। और उधर गुल्ली और बुल्ली ने वैन लाकर बिल्डिंग के नीचे खड़ी कर दी और रॉड और बाबा की लड़ाई देखने लगे कि अब आगे क्या होने वाला है। दोनों को इस बात का डर था कि इतनी ऊंचाई से अगर कोई भी गिरा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और तभी गुल्ली और बुल्ली फौरन बाबा को देखने के लिए आए, लेकिन बाबा बिल्कुल ठीक हैं और एक्सट्रीम मोड अब खत्म हो चुका है। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वायरस का इलाज मिल गया है, बुल्ली तुम रॉड की जेब में से एंटीवायरस निकाल लो,
यही एंटीवायरस शॉन को ठीक करेगा। और फिर गुल्ली रॉड की जेब में से एंटीवायरस ढूंढने लगा। गुल्ली ने कहा, कहीं रॉड ने एंटीवायरस फेंक तो नहीं दिया? बामा ने कहा, नहीं, वो इसकी जेब में है, इसने मुझे दिखाया था। और तभी गुल्ली को एंटीवायरस मिल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप गुल्ली और बुल्ली की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।